हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिलिप्स ट्रिमर, जिसका मॉडल नंबर है BT1212/15। इसका रिव्यूज़, इसका प्राइसिंग और ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन पे 849 रुपीज़ का करंट प्राइस में मिल जाएगा। ये अप एंड डाउन होते रहता है करंटली, ये फेस्टिवल से रिलेटेड, अगर कोई फेस्टिवल अगल बगल आता है तो उस हिसाब से प्राइसिंग अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो करंट प्राइस है वो 849 रुपीज़ है। और चलिए इसका मेन खासियत बता देते हैं क्या क्या है। इसका प्रो में है इसका कि ये USB चार्जिंग है। ये देखिए, आप कोई भी अगर आपके पास चार्जर है 2.0, आप उसको एंड्रॉयड 2.0 वाला जो भी चार्जर है आप उसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो चलिए और दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लाइट मिलता है। ये इंडिकेटर लाइट मतलब ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ आप चार्जिंग लगाएंगे तभी ये ऑन होगा। और नॉर्मली हम जब ये ट्रिमर को ऑन करते हैं तो देखिए ये कोई भी मतलब इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा। और इसका ये बटन देखिए आप, यहाँ पे एक छोटा सा एक बटन दिया हुआ है। ये बटन का खासियत ये है कि आप इसको पुश करके ही आप आगे बढ़ाना पड़ेगा। और नॉर्मली आप अगर इधर से प्रेस करना चाहेंगे नीचे से तो देखिए ये नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ेगा। ये इसके खासियत है कि अगर बच्चों के हाथ में भी लग जाता है, छोटे बच्चों का, तो ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बड़े लोग को ही पता रहेगा कि हाँ, इस बटन को प्रेस करके मूव करना है आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, हमारे पास जो ट्रिमर है इसमें ग्रिप बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है पीछे भी दिया हुआ है, तो आपको पकड़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और ये स्लिप नहीं करेगा यूज़ करने के टाइम में। तो ये इसकी मेन खासियत में भी आ जाता है एक तरह से, आप समझ लीजिए। इसका जो बैटरी चार्जिंग है, ये नॉर्मल जो ट्रिमर आप ख़रीदेंगे कोई भी कंपनी का, उससे आप कम से कम ये 4 टाइम्स ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये भी इसके एक खासियत में है। और यहाँ पे जो आपको ब्लेड दिख रहा है, ये तो ऑलमोस्ट सभी सभी ट्रिमर में ही आपको मिल जाता है, सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड। ये ऑटोमेटिक मतलब शार्प होते रहते हैं, तो ये भी एक खासियत ही है इस ट्रिमर की। और एक चीज़, जैसे आपको धोने में बहुत दिक्कत होता है अगर इसको चार्जर ट्रिमर को, तो आप इस चीज़ को निकाल के आप डायरेक्ट इस चीज़ को वॉश कर सकते हैं ब्लेड को। हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस चीज़ को ना धोएं, क्योंकि ये अंदर में ही पानी जाके आपका ख़राब हो सकता है। वॉशेबल लिखा रहता है लेकिन वो चीज़ सिर्फ ब्लेड पे लागू होता है। आप ब्लेड को निकाल के आप वॉश कर सकते हैं और फिर वापस से इसको सुखा के आप वापस से इसको लगा लीजिए। इसमें आपको 3 तरह के ब्लेड मिल जाएंगे, जो 1 mm, 5 mm और 7 mm है। 7 mm मोस्टली बियर्ड के लिए यूज़ होता है, बियर्ड और 5 mm दोनों, मतलब किसी को बड़ा बियर्ड अच्छा लगता है, किसी को छोटा बियर्ड अच्छा लगता है। और 1 mm जो है ये बहुत ही छोटे, मतलब छोटे बियर्ड के लिए। और ये वाला जो है ये 0, अगर 0 रखना है आपको अपना बियर्ड को। तो अब चलिए इसके कॉन्स पे आ जाते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही कॉम्ब दिया हुआ है। ये इसकी एक डिमेरिट है, ये कंपनी चाहे तो इसमें दो तीन और कॉम्ब बढ़ा सकता था, जैसे 2 mm या 3 mm वाला, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता ये प्रोडक्ट। और इसमें जो बैटरी इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है, सपोज़ आपने 2 दिन यूज़ किया, 3 दिन यूज़ किया, तो आपको पता नहीं है कि इसमें ये कितने देर चलेगा आप, तो ये चीज़ इसमें ख़राबी है। बाकी और भी सब जो ट्रिमर आजकल आ रहे हैं नए नए, उसमें आपको बैटरी इंडिकेटर दिखता है 4 4 सेगमेंट में करके, कि कितना बैटरी बचा हुआ है। तो इससे आप उस हिसाब से आप यूज़ करते हैं और आपको पता लगेगा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम में आप ट्रिम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ जो इसमें बहुत ही बड़ी डिमेरिट है, फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो ऑलमोस्ट आपको 8 आवर्स इसको चार्जिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। और फुल चार्ज होने के लिए इसमें मिनिमम 8 आवर्स लगता है। तो ये थी इस प्रोडक्ट का रिव्यूज़ दोस्तों, और
इस प्राइस रेंज में हम आपको कुछ और प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कुछ कुछ और प्रोडक्ट के बारे में, और वहाँ से आप खरीद सकते हैं कंपेयर करके। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ आपको लगे जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ में छूट गया हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे, और हमें सहयोग करते रहें, अच्छा लगेगा हमें भी वीडियो बनाने में। थैंक यू दोस्तों।